नमस्ते दोस्तों, मैं किरण वर्मा बात कर रहा हूँ, इंडियन लॉ एनफोर्स से। हम अब देखेंगे पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन की प्रोसीजर क्या आता है कि कोर्ट मैरिजेस करने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये स्टेप्स है आपके सामने कि सीखेंगे कि हम कोर्ट मैरिजेस कैसे करते हैं। पहले नोटिस करना पड़ेगा अथॉरिटी को, उसके बाद अथॉरिटी वो नोटिस को पब्लिश करेगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट अपडेट करेगा मैरिज के लिए, और उसका सिग्नेचर्स होगा और उसके पास शादी होगा। तो आगे चलते हैं। नोटिस ऑफ इंटेंट मैरिज, ये क्या होता है कि तब दो एक लड़का और लड़की दोनों शादी के लिए आगे जाते हैं, तो उनको पहले पूछा जाता है कि आपको शादी हुआ कि नहीं, और लिख के नोटिस देना पड़ेगा कि कब शादी करने चाहते हैं, और उस दोनों लोगों को और एक को कहीं ना डिस्ट्रिक्ट या स्टेट में हुआ तो सिर्फ एक की को, दोनों में एक को ज़रूर वहाँ ले लोकेशन में 30 डेज तक वहाँ पे रहना पड़ेगा वही लोकल एरिया में और स्टेट में। और ये डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद प्रूफ भी सबमिट करना पड़ेगा, अटैच दो पिक्चर्स चाहिए और बर्थ सर्टिफिकेट और रेजिडेंस आईडी भी देना पड़ेगा। और वो होने के बाद आप वो डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर को देने वाली वो ऑफिसर वो वहाँ पे ऑफिस के बाहर डिस्प्ले में ऐड कर लेगा कि ये दोनों शादी करने वाली है, और वो वेट करेंगे 30 डेज तक कोई ये शादी को ऑब्जेक्ट ना करे। वो ऑब्जेक्ट किया तो उस समय में उसको वेरीफाई करना पड़ेगा कि वो वायलेट वो ऑब्जेक्ट करने वाली वो वायलेंट है और लीगल है कि नहीं, नहीं तो शादी हो जाएगा, होने की आगे प्रोसेस शुरू होगा, नहीं तो उस दोनों को कोर्ट ऑफ लॉ में अपील होना चाहिए। और वो 30 दिन के बाद 30 डेज के बाद भी कोई भी ऑब्जेक्ट ना किया तो वो ऑफिसर वो डॉक्यूमेंट्स को वैलिड करेगा, और डिस्ट्रिक्ट मेजोरिटी 30 डेज के बाद डिसीजन दिया जाएगा कि शादी होएगा कि नहीं, और दोनों लड़की को नोटिफाई किया जाएगा किसी ऑब्जेक्शन हुआ कि नहीं, और साइनिंग ऑफ डिक्लेरेशन। तो कोई ना कोई ऑब्जेक्शन ना मिला तो दोनों पार्टीज को दो या तीन विटनेस को लेके आना पड़ेगा, और मजिस्ट्रेट ऑफिस में दोनों को शादी होएगा। मोरोवर पार्टीज को दोनों शब्द बताना पड़ेगा शादी होते समय में कि हाँ हम दोनों को ये शादी करने के लिए मंजूर है, और दोनों बोलने के बाद भी शादी रजिस्टर होएगा। और शादी करने के लिए जगह की ज़रूरत नहीं है, आपको दूसरा जगह हुआ तो वहाँ पे रियल एस्टेट को लेके जा सकते हैं, वही भी थोड़ा आसपास की लोकेशन में ही ले जाने की इजाज़त दे दी जाती है, और नहीं हुआ तो वहाँ पे ऑफिस में भी ही शादी हो जाएगा। और दोनों को रिप्रेजेंट हस्बैंड वाइफ रिप्रेजेंट करने के लिए दो या तीन दोस्तों को और किसके रिश्तेदार को लेके आना पड़ेगा कि हाँ ये लेजिट है। और वो सब होने के बाद शादी की डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा, दोनों को साइन करना पड़ेगा और दूसरों को शादी हो जाएगा। और शादी होने के बाद मैरिज सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि सर्टिफिकेट फॉर्म शेड्यूल 4 के किनाते
उस दोनों को रजिस्टर बुक में साइन करना पड़ेगा, दोनों पार्टीज को और तीन विटनेसेस को, कि हाँ भाई शादी हुआ, और दोनों को मैरिज सर्टिफिकेट रसीद दिया जाती है। तो ऐसे कोर्ट ऑफ लॉ में दो लोगों को शादी होता है। तो आपको कुछ ज़्यादा सीखने तो मैंने रेफरेंसेस लिंक्स भी डाला है, आप देख सकते हैं, और ये सब होने से आपका शादी हो जाएगा। ये अंत में शुक्रिया दोस्तों प्रेजेंटेशन देखने के लिए, और आप सबको ये सब सुन के आपको समझ में आ जाए आ गया होगा कि कोर्ट ऑफ लॉ में शादी कैसा होता है और कर सकता है। शुक्रिया दोस्तों, इसे किया तो आपको ज़रूर शादी हो जाएगा एक महीने के समय में, कोई इनकार ना किया तो। शुक्रिया दोस्तों, मैं आपकी किरण वर्मा, इंडियन लॉ एनफोर्स से, धन्यवाद।